बा रिम अलकम वबरक मौसस नाज्रीन प्रोग्राम गैब की दुनिया जिसको आप टी वी वन डिश नैटवर्क यसलिंग इंटरनेशनल पर मुलजा फ़रमा रहे हैं डॉक्टर सैयद शहजाद मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अल्लाह रब्बुल रब्ज़त के फसल करम और हुजूर नबी अकरम, नूर मुजस्म अहमद मुशतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा आता तहैत वसनाकी निगाह मुकद्दस के तवसल से बिहमदिल्ला तबारा व वाला हमारा ये प्रोग्राम जिसके बारे में आपकी तरफ से सवालात लाइव भी टेक्स्ट मैसेजेस की सूरत में भी ईमेल्स की सूरत में भी पूरा वीक कॉल्स की सूरत में भी मौसू होते हैं ये हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस है बिहमदिल्ला तबारा व वाला इस्लामी वो तमाम मौजूद सवालात की सूरत में और वैसे प्रोग्राम में तसवु के हवाले से खूसी तौर पर हम इसको डिस्कस करते हैं जिसके अंदर अलिया सूफिया अतकिया और साहेबान तरीक़त का ज़िक्र किया जाता है और तारीख़ी एतबार से त्वफ़ तरीक़त और सलूक के हवाले से सहार रिदवानल्ला मजमाइन की ज़बात कदसियात से लेकर और उससे कबल नबी अक्रमली व्म की प पाक के उन तमाम गोशों को जो तरीक़त के हवाले से खूसी तौर पर उम्मत को तालीम और इर्शाद फरमाते हैं फिर सहाबा के बाद अहल बैत अतारजवाज मतहारातन तब ताबीन फ़ोक़ाहा, सोलह शुहदा सोलह और उम्मत के वो तमाम अलिया का ज़िक्र आपको सुनने को मिलता है हमारी ये मुकम्मल तौर पर कोशिश होती है कि जितना भी ज़िक्र किया जाए आपके सवालात के जवाब दिए जाएँ वो क़ुरान और सुन्नत की रोशनी में डायरेक्ट आप तक पहुँच सकें ताकि जितना भी सूफिया की ज़िंदगी का माहौल हमें नज़र आता है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही है लिहाजा उसी हवाले से हवाला देकर आपसे इन बात होती रहे अजीज़ा नगरामी ये कदर हमारा ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी फेसबुक पर भी लाइव देखा और सुना जा सकता है प्रोग्राम में डायरेक्ट शामिल होने के लिए कॉल करने के लिए आप अपने दीनी मजहबी नफ्सिया रूहानी या दीगर दुनियावी मामलात के नस्बत कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपने सवाल के लाइव जवाब भी ले सकते हैं और प्रोग्राम के बाद कॉल करने के लिए सिक्स फोर सिक्स फाइव फाइव टू सिक्स वन एट सिक्स पर कॉल कर सकते हैं इन शिला तमहीद आज की गुफ्तू का आगाज हम कर रहे हैं हजरत अबुलफ़ारस शाहुजा अल किरमानी रहमत ला तरदील्ला की जाते पाक से इनका जिक्र हजूर दाता गंजब्श्शली हजवेरी रहमत ला तब कशमहजूब के अंदर फरमाते हैं तो अज़ीज़ा निगरामी क़दर यूँ तो दरसे कश्मिलमहजूब ही के हवाले से आज कल हमारा टॉपिक चल रहा है इनके अलावा भी जितने अलिया सूफ़िया की नस्बत हम बात करते हैं वो तमाम के तमाम मोतबर हवाला जात की सूरत में होता है कोई भी ऐसा खफीफ या हल्का रेफरेंस कोट नहीं किया जाता ताकि ऐसी हल्की बात हमारे जहन वलूब को परा गंदा करने की कोशिश ना करे या किसी के लिए भी खराबी ईमान का बायस न बन सके हजरत शाह शुजा अलकरमानी रज अल्लाह तन अपने ज़माना के बेनजीर असफिया में से हुए हैं और हजरत अबू तोराब नकशबी रहमत ला त ये सोहबत याफ्ता है बहुत से मशाइ कराम की जीारत से मुशर्रफ हो चुके और हज़रत अबूस्मान हैरी के मनाकब जब हमने पीछे बयान किए थे तो इनका जिक्र कशफुल महजूब ही के हवाले से मुखतासरा किया था लेकिन अब थोड़ा इन्हीं की ज़ात के हवाले से एक मुदल अंदाज में बात करेंगे त्वुफ़ में इनके रसायल बड़े मरूफ मशहूर और मुमताज़ हैसियत रखते हैं और इनकी एक किताब मीरा अतुल हा बड़ी मरूफ है और आपका कलाम बड़ा बुलंद है आपका इर्शाद ले अहलिल फदलुन, फद्ल मालम यरोहू फज़ा रू फला वले अहलिल फदलायात विलायतुल, विलायत। मालम या फज़ारओहा फ़ला विलायतुल विलायातलह फरमाते फजीलत को उसी वक्त तक फजीलत हासिल रहती है जब तक वो अपनी फजीलत को खुद न देखें और जब खुद बीनी की आगाही आ गई तो फजीलत जाती रही यानी अनानियत और अपनी नजर में उसकी बड़ाई बयान करना और अपनी जुबान से अपनी फजीलत का तस्करा करते रहना सुगोया के फ़जाइल और कमालात जो हकीकतन उसकी शख्सियत के अंदर मौजूद होते हैं वो सलब हो गए और फिर फरमाते कि अहले विलायत उसी वक्त तक मुकाम विलायत पर सरफराज रहते हैं जब तक इन्हें अपनी विलायत का खुद से एहसास ना हो जब वो अपने को वली समझने लगे और दूसरे को कम तर समझने लगे तो फिर हकीकत जान लो फरमाते हैं इनकी विलायत खत्म हो गई यानी आजजी इनकसारी और इज्जो इंकसार की वो हकीकी रू हर दम हर लम्हा और हर वक्त जब जहन में जागुजी रहती है और कसर नफसी का अंसर हमेशा बेदार रहता है तो विलायत और फजीलत के मरातब अल्लाह रबुल्जत उसका जेवर बना देते हैं और लकत कर ना बनी आदम का वो जो ताज उस बंदाए खुदा को मिलता है वो नियाबत की सूरत में उस पर वो बंदा फायज रहता है लेकिन जब अपनी फजीलत अपनी नजर के सामने आई और जुबान से बयान होने के लिए कोशिश करने लगा और अपनी विलायत अपनी नजर के सामने आई और अपनी रूहानी कुवतों का इजहार करने लगा तो फिर फरमाया न फजीलत रही न विलायत रही इससे फरमाते कि मुराद यह कि जब तक फजलें विलायत रहता है खुद बीनी साकित हो जाती है और जब खुद बीनी आ जाती है तो मानाए हकीकी ए विलायत इससे साकित हो जाते इसलिए कि फजल ऐसी सिफत है जिसको वो नसीब हो जाती है उसे मालूम नहीं होता इसी तरह विलायत भी एक ऐसी ही सिफत है कि वली को अपनी विलायत की रोयती नहीं होती और जब कोई कहने लगे कि मैं फाजिल हूं मैं वली उल्लाह हूं तो वो ना फाजिल है ना अल्लाह का वली है इनकी करामतों में लिखा है कि मगर मुकम्मल चालीस साल तक आपने दिन और रात को नींद नहीं ली सोए नहीं जब कभी आंख लगी तो रब कायनात का, का दीदार नसीब हुआ और अर्ज किया बारी ताला मैं तो तुझे हालत बेदारी में देखना चाहता हूं और तू मुझे हालत ख्वाब में अपना जलवा करवा रहा है अपनी शान के लायक और तजल्लियों के नजारे करवा रहा है तो हाते विखैब से आवाज आई ए शाहजा किरमानी यह सिला है उस शह का जो जागने की बदौलत तुझे अब हालत ख्वाब में नसीब हो रहा है और अगर तो इस तरह शब और रोज न जागता तो हालत ख्वाब में यह तेरी कैफियत न होती तो लिहाजा आपके इसके अलावा दीगर कमालात का ज़िक्र आपकी हवाले से कई और कुतुब के अंदर मौजूद है लेकिन मुश्तः नमूना खरवारे के मुताबिक हुजूर हज़ूदाता गंजब्श्श्श अली हुजेरी फरमाते हैं कि जिन अलिया का सूफिया का अतकिया का ज़िक्र किया जा रहा है ये बंद गाने खुदा रब जलाल की बारगाह में वो मुकामी हजूरी रखते हैं कि जिसका अंदाजा हर किसी कसो किस के बस की बात नहीं है हमारे पास एक कॉलर है असल वरि वाले आप ये भी बात कर रहे हैं के दरमियान तो इस वक्त यहाँ पे कोई ऐसा आ, नहीं है वली अल्लाह का जो इनको हजायत दे सके बता सके उनको मोजात या करमा दिखा सके और इनको बताए कि इन क्या सही और क्या गलत क्योंकि हर बंदा अपने ही मस्जिद में अपना इस्लाम बना के बैठा हुआ है इस बारे में क्या कहेंगे आप ये आपने बड़ी फिक्री बात की और बड़ा फ़िक्री किस्म का आपने सवाल किया है और इस सवाल की मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरत भी है और इस हवाले से सोचने की भी ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान की इस वक़्त हालत ज़ार हो चुकी है फ़िरकाबंदी के हवाले से मुख्तल आरा और मुख्तलि चैनल्स के ऊपर आकर नाउज़ बिल्ला कोई सह्याा के बार रिदवान ताल मजमाइन की शान में गुस्ताखी कर रहा है को बैत की शान में गुस्ताखी कर रहा है कोई सहाबा की आड़ के अंदर जल से जुलूस करके उस यजीद लाइन पलीद को अमीरुल में कह रहा है तो ये लमहते फ़िक्रिया है मैं यहाँ पर सबसे पहले ये बात ज़िक्र कर दूँ चौदह साल की तारीख़ के अंदर आइमा सुन्नत ने जो कि अक़ीद अहल सुन्नत उम्मत को दे गए हैं इमाम अबुल हसन अशारी और इमाम अबू मंसूर मातुरीदी जिनके इन अकायद को सिहाबा के हवाले से अहल बैत के हवाले से अजवाज मुताहरात के हवाले से तोहद व रिसालत के हवाले से तकदीर के खैर शर के हवाले से और दीगर वो तमाम इल्म कलाम का ज़िक्र और उसके जुमला अक़ायद की नस्बत एक बुनियादी किताब दरस निज़ामी के अंदर दरसियात में थियलोजी के अंदर जितने भी फ़ला मदारस के अंदर नौ साल कोर्स करते हैं शहादत खासा आलिया आलमिया तक या मौकूफ अलह तक जो कुतुब पढ़ाई जाती हैं उनमें जो इल्म कलाम की और अकायद की पहली किताब पढ़ाई जाती है उसे कहते हैं शरा अकायद नस्फी और उसकी फिर आगे एक और शरा है नबरास शरा अकायद नस्फी के अंदर हर बंदे के लिए और मा को पढ़ने के लिए अकीदा एक डिक्लेयर कर दिया गया है लिहाजा इस दौर के अंदर जो हर बंदा भांत भांत की बोली बोल रहा है उसे चाहिए कि सबसे पहले अपनी असलाह करे अपना इल्म जो है वो अकीदे के हवाले से ठीक करे और फिर टेलीविजन पर मदार जलसों में जुलूसों में रैलियों में फतवाजात में और वैसे भी एक साहब ने मुझे अभी प्रोग्राम के शुरू होने से पहले एक कॉल आई तो वो कहने लगे कि हर बंदा हर मौलवी जो है हर मुफ्ती पाकिस्तान के अंदर दूसरे के ऊपर फतवे लगा रहा है और उनकी वो बात वो कहने लगे कि फ़तवा तो इतना पाकिस्तान में सस्ता हो गया है इतनी तो सब्ज़ी सस्ती नहीं है जितना फतवा सस्ता हो गया है तो अजीज़ा ने गिराम ये कदर इसका एक मैार होना चाहिए इसका एक बाकायदा तौर पर ज़रूरत अमर की है कि क्राइटेरिया डिक्लेयर होना चाहिए इसकी हदूद वकूद होनी चाहिए किसी भी बंदे को किसी आलम को किसी मौलाना साहब को ऐसी बात करने की किसी मकतबा फ़िक्र से हो इजाज़त नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर दूसरे मकतब फ़िक्र की दिल आजारी हो तोहीद से लेकर रिसालत से लेकर सहाबा से लेकर अहल बैत अतहार से लेकर अजवाज मुताहरात आइम अहल बैत आय फ़्रो मसाइल महदसिन फ़हा ओलमा मुद मतदमीन मुतान और महासरीन भी यानी दौर हाज़र के भी जितने उलमा हैं जो जिनको अपना रहबर रहनुमा समझते हैं उनमें से किसी के भी हवाले से ऐसी कोई स्टेटमेंट देने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए इस पर बाकायदा तौर पे कानून बनना चाहिए कि हर बंदा जब उठता है वो कभी शान रिसालत के हवाले से और कभी अजवाज मतहरात के हवाले से कभी सहबा किबार के हवाले से कभी अहल बैत के हवाले से कभी आइमा के हवाले से अपनी राय देने और उन पर भी फतवा लगाने से गुरेज नहीं करता लिहाजा अज़ीज़ा नगराम क़दर अकीदा और अदब तज़ीम और तक्रीम इसका दामन हाथ में रखिए और मैं हकूमत पाकिस्तान से गुज़ारिश करूँगा खसूसी तौर पर कि मुल्क के अंदर बाकायदा इसम्बली में कानून साजी की जाए और ये ऐसे मौलाना हजरात जो ये इंटरनेशनल एजेंडे पर काम कर रहे हैं इन्हें बाकायदा गैरों की तरफ से फंडिंग की जा रही है जिनके पास साइकिल नहीं थे आज उनके पास लैंड क्रूजर कहाँ से आ गई वो मुरब्बों के मालिक कहाँ से बन गए लिहाजा मुल्क के अंदर आप अमन चाहते हैं आशती चाहते हैं सुकून इतमान चाहते हैं पूरा हफ्ता एक बंदा काम काज करके थका मांदा होता है और हफ्ते के बाद जुमा को मस्जिद में वो वाजो नसीहत सुनने के लिए जाता है वहां भी उसे सियासत और लड़ाई झगड़ा सुनने को मिलता है खुदा का खौफ करें मुल्क के अंदर इंतजार न फैलाएं जितने भी लोग सिहाबा की आर में यजीद को अमीरमिन नावजबिल्ला अस्तफिरल्ला माज अल्ला बनाकर नारेबाजी कर रहे हैं या अहल बैत अतहार की आड़ में सहबा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं या अजवाज मतहारात की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं इनको फिलफौर बंद होना चाहिए एक आम सादा मिजाज का आदमी मेरे जैसा बंदा जिसकी अकीदत है रसुल्ला रसुल व्लम के बाद सहार की जत पाक के साथ अहल बैत अतारात पाक के साथ अजवाज मतहराज जो उम्म की माएँ हैं उनके साथ सो बशम हजरत सैदना अमीर माविया रदी अल्लाह तन हो तक किसी कि शान में भी गुस्ताखी की किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए ये हदूद वकूद फिलफौर मुतिन की जाए और जो ऐसे शरीर शर फैलाने वाले खुतबा मुकर हैं इनको फौरी तौर पर इनका सद्देबाप किया जाना चाहिए और इनको कतअअ इजाज़त नहीं होनी चाहिए और कोई ऐसा लाए अमल इख्तियार किया जाए तमाम मकातब फिक्र के लिए कि तमाम मकातब फिक्र का एक मुतफिका बोर्ड बने कौंसल बने और अगर हो सके तो उन तमाम मकतब फिक्र के बड़े वामाक का वो जो बोर्ड बने उनकी तरफ से जुमा के खुतबा का बाकायदा इजरा होना चाहिए जिस तरह सऊदिया के अंदर ईरान के अंदर या दीगर अरब ममालिक के अंदर होता है लिहाजा शर फैलाने वाले फितना परवर ऐसे खुतबा से फौरी तौर पर जान छुड़ाई जाए और जिनको भी आप मसाजिद में बतौर इमाम बतौर खतीब मुतन करें उनकी तालीम को चेक किया जाए उनका बाकायदा तौर पर टेस्ट होना चाहिए और उन्हें उनके नजरियात उनके अकायद को परखा जाए जांचा जाए फिर उनको मुतन किया जाए तो अजीजा ने गिरामी कदर मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है तशरीफ रखिए ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर हो। वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम देख रहे हैं खैब की दुनिया और हमारा टॉपिक चल रहा है तसवुफ़ के हवाले से अब हम जिस बरगजीदा हस्ती की बात करने लगे हैं हज़ूर दादा गंजब्श्श्ली हजवेरी रहमत ला अलैह ने जिनका जिक्र इनके बाद किया उनका नाम नामी इसमें गिरामी है हजरत अमर बिन उस्मान मक्की रहमत ल्ला तन के बारे में आप अलकाबाद के साथ जिक्र फरमाते हैं कि सरूर दिल नूर सिर अमर बिन उस्मान मक्की रदी अल्लाह तबरा कौम और सादाते जमाना से गुजरे हैं हमारे पास एक कॉलर हैं अकुम वरह वी जी जी क्या हाल है खैत से जी जी फरमाइए सवाल पहले बोलने से पहले मैं आपको और एक से बता दूँ की अभी जो आप बात कर रहे थे से पहले पाकिस्तान की इसी सिलसिले में कहा था कि जो कुछ भी एहसास फाउंडेशन करो उसके दूसरे ही दिन कोई साहेब का अच्छी से मेरे कॉल किए अहसास फाउंडेशन वाले साहेब डोनेशन मांगने के लिए तो उनको मैं डोनेशन देने से दे पहले यही बताया जो आप बता रहे हैं लेकिन इतना डिटेल नहीं बताया उनको कुछ थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये बात मैं आगे बढ़ाता हूं, तो ले जाता हूँ आपका तो ले तो इस तरह से हो रहा है पाकिस्तान में तो आपने सही बात की मैं आगे बढ़ाता हूँ वादा किया मतलब आगे बढ़ाता हूँ इसको हमारे लिख हुकूमत से आगे बढ़ाता हूँ अच्छा तो ये बात तो हो गई अब दूसरी बात आपसे ये पूछनी है की दुआ मफरत जो हम पढ़ते हैं नहरा और दुआएं मांगते हैं जो भी मर गए क्या ये नॉन मुस्लिम के लिए भी हो सकता है जो गैर मुस्लिम जो लोग होते हैं कि उनके लिए भी पढ़ सकते हैं ये एक सवाल ये रहा और दूसरे सवाल आज तीन चार सवाल और मेरे पास हैं ऐसे और ये सवाल है एक ए, मेरा एक मेरे पास आया है एक ए, 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 एक व्हाट्सएप वा, पे एक लंबा चौड़ा कह रहे हैं कि सबसे पहले जिसने मक्का और काबा को आबाद किया वो औरत है और कहते हैं जिसने सबसे पहले जमजम का पानी नोश पर माया वो औरत है उससे पहले कहते हैं सबसे पहले सबसे पहले जो फिरौन के अगेंस्ट खड़ा हुआ वो औरत है क्या ये सब सही है जी और कोई आप सवाल करें मैं फिर इकट्ठा ही जवाब देता हूँ ये तीन सवाल है ये दो तो जवाब देते लगवा था काफी है जी जी सबसे पहला आपका जो सवाल है कि दुआए मगफरत गैर मुस्लिम के लिए याद रखें कि कोई भी दुनिया के अंदर आफत आ जाए उसको आप सुनते हैं जलजला, तूफान बादोबारा मुस्लिम या गैर मुस्लिम कोई दुनिया से चला गया है किसी हवाले से कोई बड़ी से बड़ी किसी भी किस्म की कोई आफत और मौत से बढ़कर जाहिर बात है कोई बड़ी आफत क्या हो सकती है तो उस वक्त इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना जो है इसका हुक्म है रह गया दुआए मगफिरत गैर मुस्लिम के लिए गैर मुस्लिम के लिए दुआए मगफिरत नहीं हो सकती दुआए मगफिरत सिर्फ मुसलमान के लिए हो सकती है जिसके बारे में आपको मुकम्मल तौर पर इल्म हो कि वो कलम हक कलमाय शहादा ला इला मोहम्मद रसुल्ला पर खात्मा बिल ईमान हुआ है चाहे वो कितना ही गुनागार क्यों ना हो गुनाहों की बिना पर उसको सजा के हवाले से मामला अल्लाह और उस बंदे के दरमियान होगा लेकिन कलेमा तय्यबा जिसने पढ़ा और उसी पर उसका ख़ात्मा बिल ईमान हुआ कोई ज़िंदगी में इतदाद नहीं किया मुरतद नहीं हुआ कोई कुफ्र नहीं किया और अगर ग़लती हुई तो तौबा इस्तफ़ार और माफ़ी मांगता रहा और आपको मालूम है कि वो इसी कलमे पर उसका खातिमा बिल ईमान हुआ है तो उसके लिए दुआए मगफरत कर सकते हैं गैर मुस्लिम के लिए दुआए मगफरत नहीं हाँ अगर वो आपको दावत दे दावत कबूल कर सकते हैं वो बीमार हो जाए इयादत कर सकते हैं खुशी पर बुलाए उस पर आप जा सकते हैं वहाँ पे हलाल तयब जो चीज़ है वो खा सकते हैं अगर कोई हराम है तो वो आप नहीं खा सकते लेकिन बीमार हो जाए तो अयादत कर सकते हैं जाके आप दावतें इस्लाम दे सकते हैं ज़िंदगी में या उस वक्त भी लेकिन आपकी दावत को उसने कबूल नहीं किया और आपको मालूम है कि इसकी मौत कुफ्र पर हुई है तो ऐसे के फ्यूनरल में आप शिरकत नहीं कर सकते यानी उसकी आखिरी मौत की रस्म व रवाज जो उसके मरने के बाद होंगी किसी भी हवाले से वो उसमें आप शिरकत नहीं कर सकते आपको इजाज़त नहीं है और ना ही उसके लिए आप दुआ मफ़रत कर सकते हैं दूसरा सवाल जो आपने किया कि मक्का और काबा को सबसे पहले जिसने आबाद किया वो औरत है हज़रत इब्राहीम अल्लाह इज़्ज़त के हुक्म पर हज़रत सैदा हाजरा सलामुल्ला को और अपने शीरखार बच्चे को आप बे गया चटियल उस मैदान में छोड़ कर गए और हज़रत अलैहि सलाम की एड़ियों से आब जमज़म निकला ज़ाहिर बात है हो सकता है आपने ही सबसे पहले पिया हो और आबादकारी का जहाँ तक ताल्लुक़ है ये वाकया उस तरफ भी इशारा करता है कि हज़रत हाजरा सलामुल्ल अलैहा अपने शीरखार बच्चे के साथ उस जगह को आबाद फरमा रही हैं तो ये चीज़ें किसी हवाले से यकीनन इसी तरफ ले जाती हैं औरत और उसका बच्चा यानी हजरत इस्माईलम जो हैं, वो आबाद कर रहे हैं हमारे पास एक और कॉलर तो है असलाम्ला तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत आपने सवाल किया है और इस सवाल की भी मैं समझता हूँ दौरे हाज़िर में बड़ी ज़रूरत है और इस्पेशली पाकिस्तान के इस माहौल के तनाजर में ये बहुत ज़रूरत है और इस पर मैं समझता हूँ जितने भी साहिबान फ़िक्र हैं लोग और दर्द दिल रखने वाले हैं इस्लाम का पाकिस्तान का उन तमाम मुफ्तियाने इज़ाम कराम मुफक्न मुदबेन सियासतदान उन तमाम हज़रा को इस बारे में बहुत सोचो विचार करनी चाहिए इतिहाद उम्मत याद रखें इसकी अशद ज़रूरत है और इतनी ज़रूरत कभी भी तारीख़ आलम इस्लाम में नहीं रही जितनी कि इस दौर के अंदर और पाकिस्तान के उस माहौल के अंदर जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है उसमें ज़रूरत है और फिर इंटरनेशनली जो इस वक्त तकरीबन अट्ठावन इस्लामी ममालिक हैं के दरमियान में भी कंसेंसिस पाया जाना और इस्लामी इतिहाद की बड़ी ही जरूरत है और यह चीज शुरू होती है याद रखें अकीदा से और अकीदा जो है उसके साथ अदब और एहतराम ये बड़ा जरूरी है मसलन एक तबका मौला अली वजहुल करीम वरदी अलैहिस्सलाम और अहले एहलेते अतहार असलाम की ऐत पाक के साथ जुड़ा हुआ है एक तबका सिहाबा किबार रिदवान अलैहि मजमाइन की जत पाक के साथ जुड़ने को तरजीह दे रहा है और उसमें फिर एक और आगे तबका चला जाता है जो हती के इस हद तक पहुंच जाता है कि खारजी फिकर और ऐसी मुतद फिक्र उसके अंदर पैदा हो जाती है कि वो यजीद को भी अमीरमोमीन कहता फिरता है तो अज़ीज़ा ने ग्रामी कदर जो मुसलमत हैं जैसे मैंने इससे कबल भी एक सवाल आया तो मैंने आंसर किया कि इम कलाम की किताब शरा अक़ायद नस्फी या उसकी आगे शरा नबरास या अल अकीदत तहाविया या आइमा ने जो अकायद हजरत इमाम आजम अबू हनीफा हजरत इमाम मालिक हजरत इमाम शाफाई हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल या दीगर आइमा ने जो असूल उम्मत के लिए मुकर्र कर दिए हैं हमें उन्हीं पर अपने अकायद को उस्तवार करना चाहिए जैसा कि मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ हजरत मौला अली करमल्ला वजहरलकरीम की जंग जंग जमल और सिफीन जमल जो है हजरत सैदा उमुल मोमिन जनाब आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तहा के साथ और सिफीन हजरत सैदना अमीर मआविया रदी अल्लाह तह के साथ दोनों सूरतों में अकीदा अहल सुन्नत यह है कि हक पर मौला अली कर रमल्ला करीम ही है लेकिन मुल मोमिन जोज रसूल बिनते सिद्दीकी अकबर हजरत सैदा तय्यबा ताहिरा जनाब आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तहा की जाते पाक की शान में इस सूरत में गुस्ताखी नहीं की जाएगी और ना ही अकीदा अहल सुन्नत इस बात की इजाजत देता है इसी तरह हजरत सैदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह त कि शान में भी गुस्ताखी नहीं की जाएगी आप सिहाबी रसूल हैं और उलमा ने कफ़े लिसान का जुबान बंद रखने का हुक्म दिया है इसलिए कि अगर इस तरह बातें की जाएंगी मुशाजराते सहाबा का जिक्र किया जाएगा तो ये वो मसाइल हैं जो जरूरीते दीन में से नहीं हैं जिनके बारे में हम से कब्र में पूछा जाएगा कब्र में तो सवाल होगा मर्रबुक दीनु मा कुंता तकुलफी हक हादर रजुल अल्लादी बो सफी क्यामत के दिन भी इबादात की बात होगी तो सबसे पहला सवाल अल्लाह की बारगाह से नमाज के बारे में होगा मामलात की बात होगी तो सबसे पहला जो फैसला किया जाएगा वह कतल का क्यामत के दिन किया जाएगा औरतों की अगर बात होगी तो उनसे सबसे पहले उनके खामन की खदमत और उसके साथ बर्ताव के बारे में सवाल किया जाएगा तो ये बुनियादी वो चीज़ें हैं लेकिन जब आप रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे तो ज़रती बराबर भी दिल के अंदर सहाबा के बारे में शैखैन हजरत जनाब सिद्दीक अकबर जनाब फ़ारूक आजम उस्मान गनी मौला अली मुर्तजा या दीगर सहाबा के बारे में सहाबा में भी याद रखें ग्यारह तबकात और ग्यारह दर्जात हैं गो के हजरत अमीर माविया दर्जे में आते हैं और करीम का दर्जा पहले दर्जे में है लेकिन एक भी उम्मत के अंदर आला किस्म का वली आजम के मुकाम और मरतबे पर पहुंची हुई हस्ती भी अदना से का मुकाबला नहीं कर सकती यही वजह है कि हजरत आजम शेख अब्दुल जिलानी फरमाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया के घोड़ों के, के टापों के साथ लगने वाली धूल भी जो है वो कयामत के दिन शफात कुबरा का बायस बन जाएगी तो अदब 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 ताजीम 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 तकरीम 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 अकीदा वही रखें जो आइम्मा ने उम्मत को दिया है हक पर कौन है लेकिन इसके जुमरे में और इसके पर्दे में आप गुस्ताखी नहीं करें दीगर सहाबा की और इसी तरह सियासत व खिलाफत खिलाफत राशदा ही हक पर है बनो मैया की सियासत ज़िंदाबाद नहीं है इसको बड़े गौर से और बड़े दकीक मज़ात से समझें कि सहाबा के बाद रिदवानल्ला तला मजमाइन के मुशाजरात इनको जिक्र करने की ज़रूरत भी नहीं मंबरों पर स्टेजों पर जलसों में रैलियों में जुलूसों में क्यों जिक्र करते हैं ये जरूरियात दीन में से नहीं है लेकिन तमाम मकातब फिक्र दूसरों के मुकदसात के दूसरों के मतबरक के मुकर्रम, मुकर्रमजम हस्तियों का अदब एहतराम करें सहाबा से लेकर अहल बैत से लेकर अजवाज से लेकर और दौरे हाज़र तक तब ये इतिहाद उम्मत मुमकिन है मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है तशरीफ रखें ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम देख रहे हैं गैब की दुनिया और मैंने ब्रेक से कबल जिक्र शुरू किया था जिसके बाद सवाल बहुत ज़्यादा आ गए फिर उनके आंसर करने पड़े हज़रत अमर बिन उस्मान मक्की रमतल ताल आजूर दा दाता साहब फरमाते हैं कि आपकी तसानीफ तसव्वुफ में बड़ी मरूफ और मशहूर हैं आपको नस्बत इरादत हजरत जुनेैद बगदादी से हासिल और आप हजरत अबू सईद खर्रास की ज्यारत से भी इससे कबल मुशरफ हो चुके थे और बैत आपने ने हजरत जुनेद बगदादी से की उसूल के अंदर आप इमाम वक्त बयान किए गए हैं और आप इसे मरवी है कि ला यको आला कैफियत वजद इबारत सिरलम कैफियत वजदानिया की तर्जमानी किसी लफ्ज़ और इबारत से नहीं हो सकती क्योंकि कैफियात वजदानियां अल्फाज और इबारात के अहाते में आ ही नहीं सकती इसलिए कि वो खास असरार में से है और मोमिन को अल्लाह पाक ने इनका अमीन बनाया है फकत इमानत इनके सपुर्द की है इसको कीलोकाल के ढांचे में ढालना और उसके कालब में लाना ये मुमकिन ही नहीं और वो चीज जिस पर बंदा की इबारत और अल्फाज का तसरफ हो सकता है वह हरगिज़ सिर हक नहीं होता इसलिए कुल्ली या तन तसरफ व तकल्लब बंदा का रब्बानिया से मुनकता है और फिर कहते हैं कि हजरत अमर बिन उस्मान इस्फहान तशरीफ लाए तो एक बेरीश नौमर लड़का आपकी सोहबत में आ और उस लड़के का बाप उसे अक्सर आपकी खिदमत में आने से मना करता फिर हुआ ये कि इस रोक टोक की वजह से वो लड़का इस कदर गमगीन हुआ और रुक भी गया कि शदीद बीमार हो गया और एक मुद्दत तक उसी बीमारी में पड़ा रहा आखिर एक रोज़ आप अपनी जमात के साथ उस लड़के की अयादत को तशरीफ़ लाए लड़के ने हज़रत अमर बिन उस्मान मक्की रहमत ताली आल से अर्ज़ की कि हजूर साथ मौजूद कव्वाल को हुक्म फरमाएं कि वो कुछ सुनाए तो आपने हुक्म किया कव्वाल ने कवाली करना शुरू कर दी अरबी के अंदर अशार थे वो पढ़ रहा था कि माली मरित फलम यउनी आयत व यमर उदोन्द यानी माना ये कि यह क्या बात है कि मैं बीमार हुआ और तुम में से किसी ने मेरी अयादत नहीं की हालांकि तुम में से अगर कोई बीमार हो तो मैं यादत करता हूं जब मरीज ने यह शेयर सुना तो बिस्तर मर्क से उठा और उठकर बैठ गया उसके चेहरे से सेहत के आसार नजर आना शुरू हो गए मर्ज में इफाका हुआ लड़के ने अर्ज़ की हजूर इन्हें कहिए कि कुछ और भी सुनाए वो कुछ और अशार पढ़ने लगा वा अशद्दु मरद या ला सदूर कुम व सदूर अब्द कुम अलिया शदीद मेरे मर्ज की सख्त तरीन इल्लत यह है कि मुझे मना किया जाता है आपकी बारगाह से आने पर और इससे ज्यादा अशद और भारी और सख्त काम मुझ पर यह है कि तुम्हारा मुझसे रुक जाना है वो पढ़ता रहा बिल आखिर लड़का सेहत हो गया बीमारी नकाहत और जो अलालत के आसार उसके चेहरे पर नज़र आ रहे थे वो यका यक खत्म हो गए इसके बाद वो तंदरुस्त हुआ बाप ने ये करामत आपकी देखी तो हज़रत अमर बिन उस्मान ही के सपुर्द अपने बेटे को कर दिया और जो बदगुमानी उसके दिल के अंदर थी उनके बारे में वो फौरन ख़त्म हो गई और तायब हुआ और ये लड़का अपनी कौमों का अपनी कौम का अजीम शान दरवेश बना और अल्लाह रबुल्ज़त ने उसे तसवफ वसलूक की अजीम मनाजल तय करवाने के बाद आपकी नज़र करम से अल्लाह की बारगाह में खासान खुदा में शामिल किया तो अज़ीज़ा ने ग्रामी कदर ये बंद खुदा जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ये बंदे अल्लाह के वो बंदे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को ज़िक्री में और इश्क महम्मदी के अंदर सर्फ़ किया और तालीमत मुस्तफ़ा में अपनी ज़िंदगी गुजार कर अपनी सोहबत में भी आने वालों को इस तरह फैद याब किया कि जो इनके पास बैठ जाता जलाल का वो महबूब और मुकर्रब बंदा बन जाता अजीज़ा ने ग्रामी कदर हमारे न्यूज़ वन के डायरेक्टर न्यूज़ जनाब हाफ तारिक महमूद साहब उनकी वालदाए महतरमा का इंतकाल हो गया है अभी इन शाह उनके लिए इसल षवाब की दुआ भी करेंगे इससे कबल के मैं शुरू करूं हमारे पास एक कॉलर है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वा बरकातहू इस सवाल का जवाब ऑलरेडी मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ इन हमारे मीडिया से प्रोग्राम से इन ये आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी और जितने भी साहिबान फ़िक्र हैं और किसी भी मकतबा फिक्र के रहबर रहनुमा हैं इन ज़रूर इस पर वो तोज् देंगे अलहमदल रबीआलमीन वला असलात वसलम रसूल खैर ख़िलक ही मोहम्मद वाली वबी ही ही अजमाइन اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانصانا اللهم نحييته منا على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين من ربنا إنك رءوف رحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب مولاي كريم خصوصي طور پر محترم حافظ طارق محمود صاحب والده محترمه के सर कबायर को मुआफ़ फरमा कर हज़ूर सल्हलम के वसीला जमीला सिहबा के बार अहल बैत तहार अजवाज मतारात अलिया उम्मत के तसद से उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह अता फ़रमा उनके सगायर कबायर को मुआफ़ फरमा कर मौल करीम आला में उन्हें दरजात आलिया से हमकिन फरमा जमी मसलम जमी मुसलमत जमीन जमी ममत के शगैर वबायर को मुआफ़ फरमा कर बारी तला उन पर अपना फसल कर्म नाजिल फरमा आने वाली इस वबा से हम सबको महफूज फरमा जो बीमार हैं उन्हें शिफाए का मिला अजला नसीब फरमा परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा पूरी दुनिया के अंदर जो लोग किसी भी हवाले से रोजगार के सिलसिले में बारी ताला परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा कर उनके रिस्क में बरक़ात कसीरा आता फरमा व मई यखिल्ला है यह व मई य तवक्ल आल्लाफ वसबाला बाल्री कद ज आलल्लाकुलशा कदराब्बना तकब्बल मन्नाक वतुब मतुबालिन या मौलाना नकंदरम वसली ती अला रसूल खैर खलकी ही मुहमद वाल आाबी ही अजमायन बिरहत कैया और हमर्राहमीन अजीज़ा ग्रामी कदर अपने लिए आसानियाँ पैदा कीजिए दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए अपनी ज़ुबानों को दिलो दमाग को अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से तर रखिए अपने हाथ ज़ुबान से किसी को भी तकलीफ़ ना पहुँचाइए ये आपके लिए हुक्म है उस मालिक का और उसके मालिक उस मालिक के महबूब मोहम्मद अलैहि सल्लम का लिहाजा अपनी ज़िंदगियों को ऐसे बनाइए कि अगर इससे मुमकिन हो सके तो आपके वजूद से दूसरों को खैर नसीब हो सके आपकी ज़ुबान से दूसरों को खैर मिल सके हर किस्म की ताना जनी गिबत बहुतान इससे अपने आप को महफूज रख कर अल्लाह और उसके जर, रसूल के ज़िक्र में सरशार हो जाइए अल्ला वसल वसलम वबारिक नाब मौलाना महमद मादिनजूद वलकरम व आल हिलकिराम वबन हिलकरीम मम्म वलकम वबारिक वसल वसल आल सुबहान रब्ब रबिल्ज़त अम्मा यसिफ़ून वसलामआल मसलिन वहमदुल्लि और अब्बिलमीन हमारा ये प्रोग्राम हर जुमेरात को शाम आठ से नौ लाइव आप देख सकते हैं और वीकडेज़ में भी कई मरतबा रिपीट होता है प्रोग्राम के बाद कॉल करने के लिए सिक्स फ़ोर सिक्स फाइव फाइव टू सिक्स वन एट सिक्स कॉल कर सकते हैं तब तक के लिए इजाज़त दीजिए वालेकुम वरहल वबरक